खट्टर जी, अपोजिशन दावा कर रहा है कि इस बार कई सीटों पर उनकी जीत होगी। मेरा कहना है कि ये आप लोगों का एक निरर्थक प्रश्न है। हर कोई दावा करेगा, दावा क्यों नहीं करना चाहिए, दावा सबको करना चाहिए, लेकिन ये तो जनता बताएगी। ये सारा गेम जो है जनता का है, जनता देखेगी। और जैसे आप दिन भर घूम रहे हैं, आप देखेंगे बूथों के ऊपर, आप देखेंगे लाइनों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लंबी लंबी लाइनें अब सुरेसरी लग गई हैं। करनाल में मैंने देखा सुबह सुबह, और अभी एक गांव में तो खैर सिरसी गांव में किसी नौजवान की डेथ हो गई थी, वहां थोड़ा स्लो था। यहां जरीफाबाद में देख लीजिए कि 50 पर्चियां सुरे सुरे कट चुके हैं, जिसमें से 32 वोट तो पोल भी हो चुके हैं, और ज्यादातर जो लोग मिले हैं वहां बीजेपी के मिले हैं। इसलिए ये विषय किसी नेता का, चाहे वो मेरा क्लेम हो चाहे किसी विपक्ष के नेता का क्लेम हो, ये निरर्थक है चीजें। अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, सायकाल तक पता लग जाएगा। अग्निवीर योजना की कह रहे हैं हुड्डा साहब कि वो खत्म कर देंगे उनकी सरकार। वो जनता को ये कह रहे हैं कि अग्निवीर खत्म करेंगे, मुझे लगता है जनता उनको खत्म करेगी, क्योंकि अग्निवीर का अपने आप में इतना बड़ा एक मसौदा है हमारे देश के युवकों के लिए कि ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है, काम का काम है, और 4 साल के आने के बाद एक डिसिप्लिन्ड नौजवान समाज में उतरेगा, और समाज के अंदर जिस प्रकार की एक अपेक्षा होती है एक देशभक्त नागरिक की, एक अनुशासित नागरिक की, वो संख्या बढ़ेगी। हम देखते हैं कि इसराइल में 100% जनता आर्मी में जाती है 3 साल के लिए, उसके बाद वो जनता में बाकी काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार चुनावी मैदान में क्या, लेकिन स्वाति मालीवाल पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर कोई भी दोषी हो, कोई अपराधी हो, या जिसके खिलाफ कोई बात है, या जो शिकायत करता है, हर एक की जांच ये एजेंसी को करनी चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं। केजरीवाल अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आए कि सरकार उनको भी परेशान कर रही है इस मामले में। देखिए, ये तो इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशनल चीजों का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी को तंग नहीं करता, क्योंकि वो तरह तरह के इमोशनल बातें उठाने का उनका एक उनका स्वभाव है, वो उठाते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। खट्टर जी, अपोजिशन दावा कर रहा है कि इस बार कई सीटों पर उनकी जीत होगी। मेरा कहना है कि ये आप लोगों का एक निरर्थक प्रश्न है। हर कोई दावा करेगा, दावा क्यों नहीं करना चाहिए, दावा सबको करना चाहिए, लेकिन ये तो जनता बताएगी। ये सारा गेम जो है जनता का है, जनता देखेगी। और जैसे आप दिन भर घूम रहे हैं, आप देखेंगे बूथों के ऊपर, आप देखेंगे लाइनों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लंबी लंबी लाइनें अब सुरेसरी लग गई हैं। करनाल में मैंने देखा सुबह सुबह, और अभी एक गांव में तो खैर सिरसी गांव में किसी नौजवान की डेथ हो गई थी, वहां थोड़ा स्लो था। यहां जरीफाबाद में देख लीजिए कि 50 पर्चियां सुरे सुरे कट चुके हैं, जिसमें से 32 वोट तो पोल भी हो चुके हैं, और ज्यादातर जो लोग मिले हैं वहां बीजेपी के मिले हैं। इसलिए ये विषय किसी नेता का, चाहे वो मेरा क्लेम हो चाहे किसी विपक्ष के नेता का क्लेम हो, ये निरर्थक है चीजें। अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, सायकाल तक पता लग जाएगा। अग्निवीर योजना की कह रहे हैं हुड्डा साहब कि वो खत्म कर देंगे उनकी सरकार। वो जनता को ये कह रहे हैं कि अग्निवीर खत्म करेंगे, मुझे लगता है जनता उनको खत्म करेगी, क्योंकि अग्निवीर का अपने आप में इतना बड़ा एक मसौदा है हमारे देश के युवकों के लिए कि ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है, काम का काम है, और 4 साल के आने के बाद एक डिसिप्लिन्ड नौजवान समाज में उतरेगा, और समाज के अंदर जिस प्रकार की एक अपेक्षा होती है एक देशभक्त नागरिक की, एक अनुशासित नागरिक की, वो संख्या बढ़ेगी। हम देखते हैं कि इसराइल में 100% जनता आर्मी में जाती है 3 साल के लिए, उसके बाद वो जनता में बाकी काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार चुनावी मैदान में क्या, लेकिन स्वाति मालीवाल पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर कोई भी दोषी हो, कोई अपराधी हो, या जिसके खिलाफ कोई बात है, या जो शिकायत करता है, हर एक की जांच ये एजेंसी को करनी चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं। केजरीवाल अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आए कि सरकार उनको भी परेशान कर रही है इस मामले में। देखिए, ये तो इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशनल चीजों का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी को तंग नहीं करता, क्योंकि वो तरह तरह के इमोशनल बातें उठाने का उनका एक उनका स्वभाव है, वो उठाते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं।